ये आप लोगों की अफवाह है, ये कहां से आपको मिल गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिले? वो गए तो नहीं मिले, हम कह हम तो अभी तक साथी थे तो गए तब क्यों नहीं मिले? नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जदयू कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए कामों का ही फल है कि आज यह रिजल्ट आया है। मुख्यमंत्री के 20 साल के शासन के बाद भी आज तक कभी सत्ता विरोधी फैक्टर सामने नहीं आया है। विजय चौधरी ने कहा कि महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जाने का नीतीश कुमार के फैसले को बिहार की जनता ने अनुमोदन कर दिया है। नीतीश कुमार की जो विकास की नीति है उसका भी बिहार की जनता ने अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि 4 सीट हम नहीं जीत पाए और 4 सीटें हमें जीतनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसका उनको धन्यवाद देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसमें भी जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। आगे आने वाले समय में भी एनडीए का ही भविष्य उज्जवल है। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी में आज भी वही दम है जो 2005 में था। वहीं नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर मिलने पर चौधरी ने क्या कहा, आगे सुनिए। अच्छा परफॉर्मेंस, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या उनके कार्यों की सराहना तो है, उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों का जो असर है, जो विकास के काम हुए, ये स्पष्ट रूप से ये दोनों का मिला जुला परिणाम है। ये आप अगर अगल बगल के राज्यों के नतीजों को देखिएगा तो और ज्यादा आपको स्पष्टता से ये चीज सामने आई। और इस चीज का हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमें अनुभव हुआ था, क्योंकि लगभग बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव अभियान के दौरान अधिकांश में तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही जाते थे, फिर कुछ जगह अलग गए थे, कुछ जगह नामांकन में गए थे, और कुल मिला के लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोगों को जाने का मौका मिला। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब लगभग 19-20 वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी के शासन में आने के हो रहे हैं, और 20 वर्षों के शासन के बाद भी कहीं पर जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं वो कहीं नहीं दिखा। आप सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अब शासन के लगभग 20 साल पूरे हो रहे, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हमें तो नहीं ही मिला, आप लोग में से भी सब साथी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में गए हो, लेकिन कहीं पर भी जो नीतीश कुमार ने काम नहीं किया या नीतीश कुमार के समय में विकास नहीं हुआ या नीतीश कुमार अच्छे ईमानदार नेता नहीं है, इसकी कहीं से कोई आवाज तो छोड़ दीजिए, भनक भी नहीं आ रही। ये इस चुनाव के नतीजे की का सबसे बड़ा पैगाम, और जो हमने कहा कि जो बिहार के लोगों का जो फैसला है ये उसका सबसे बड़ा मैंने चीज जो उभर कर सामने आती है वो ये, और ये अपने आप में हमारे नेता की विश्वसनीयता। 20 साल लगातार शासन में रहने के बाद भी इनकी लोकप्रियता विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बिहार के लोगों के दिलों में बनी और बसी हुई है, ये नतीजे का संदेश। तो इसलिए हम विशेष रूप से बिहार के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों ने इतना भरोसा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले भी दिया था, आज भी है, और स्पष्ट रूप से
ये आने वाले समय में कह के कुछ ही दिन बाद फिर 6 महीना साल भर के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये समझिए 2025 के विधानसभा आम चुनाव के लिए भी बड़ा ही शुभ संकेत कि जब नीतीश कुमार जो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है, उनके विकास कार्यों की सराहना लगातार लोगों में हो रही है, जो हमने बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में सुना है, तो इससे बड़ा शुभ संकेत क्या हो सकता है 25 के। ये तो 25 का समझिए कि एक ये 24 के नतीजे ने 25 का मार्ग प्रशस्त कर दिया और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग 25 में भी जो 24 के नतीजे हैं, क्योंकि अभी जो 24 के नतीजे में जैसा कि हमने कहा कि ठीक है, जो लक्ष्य हमने रखा था या पिछली दफा जो हमारी संख्या थी, कुछ हम लोग घट जरूर गए, लेकिन उससे भी बड़ा पैगाम हम लोगों के पक्ष में इस जनादेश का है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए भी बड़ा ही शुभ लक्षण है, संकेत है। यह हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं और जनता ने जो भरोसा किया है इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। पार्टी के तरफ से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं और हमारे नेता मुख्यमंत्री जी जिस दक्षता से हम लोगों का या बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले समय में भी NDA का या NDA का ही भविष्य उज्जवल है बिहार में, यही हम आपको कहना चाहते हैं। ये आप लोगों की अफवाह है, ये कहां से आपको मिल गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिले, कौन बताया? देखिए हम क्या कहा कि हम लोग सच्चाई बोलते हैं और हम तक पहुंचती है। अब आप ही कोई प्रश्न खड़ा कर दीजिए, आप ही में से कोई साथी चला दे कि मुख्यमंत्री से मिलने वो पहुंचे, हम ही से कल पूछे। सबसे इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने वो पूछा इसलिए हम बता रहे हैं, ये दोपहर की बात है, दोपहर का तो कल ही है। संयोग से हम भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे और उठ के वो गए उधर, हम आए अपने घर, हम घर पहुंचते हैं तो यही सवाल आज आप जो पूछ रहे, कल दोपहर में ही किसी ने हमसे पूछा, आप ही लोगों में थे। तो सर तू गए तो नहीं मिले, हम कहे हम तो अभी तक साथी थे, तू गए कब जो नहीं मिले। अब फिर हम 3:30-4 बजे गए थे, सम्राट जी बैठे हुए थे, कहा नहीं मिले। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ही अनावश्यक कोई भ्रम कोई इस तरह की चीज न चलाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सर सर जो परिणाम आए आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये चुनाव के नतीजे उन लोगों को ही जवाब दे रहे हैं जो लोग उस तरह की बात कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल अविक्री होगा या और भी कुछ बात होगी। हमने जो कहा कि इस नतीजे में